Not gonna lie, but this is a pretty big mess just for the box. The exhaust helmets finally. ये सब को जल्दी जल्दी हटाना पड़ेगा क्योंकि काफी गंदा वैसे ये. I don't know what this is. But yeah, this is how it is. The truth behind everything. But look at the logo, man. So pretty. So anyways, I took the box out successfully and here it is. And one more thing, that I broke the handle accidentally because my grip was apparently too firm, and while taking out it kind of broke away. So well, anyways, let's do the unboxing and let's reveal the helmet, and I hope you guys like it. Okay, so what's going on, guys, and welcome back to the channel. And I know this is a sudden change of video because usually you see me riding a motorcycle and main usually itna face dikhata nahi hu mera, and I'm very sweaty because fan off karke rakha hai, but kindly manage with that. Main actually ye reshoot kar raha hu part because maine pehle shoot kiya tha but the sound was not good. So yeah, there are two things that I would like to update you guys with. The first thing is the helmet. The new helmet that I've got. So this is the Exor Venomous Dark Edition, Dark Grey Edition, and ये तीनों सर्टिफिकेशन के साथ आता है जो कि है DOT, ECE and ISI certified. मैं एक्चुअली ब्लू कलर लेने वाला था लेकिन ब्लू कलर कंपनी ने मैन्युफैक्चर करना स्टॉप कर दिया, तो अभी वो नहीं आता. अभी सिर्फ लाइट ब्लू कलर का एक आता है, वो भी ग्लॉसी है. तो मुझे चाहिए था मैट फिनिश में, तो मैंने ये वाला इसलिए ले लिया बिकॉज इट लुक्स रियली गुड इन द मैट फिनिश. ग्लॉसी भी अच्छा लगता है, बट आई वुड प्रेफर द मैट वन बिकॉज जैसे यू नो पर्सनल प्रेफरेंसेस रहते हैं अपनी अपनी. एंड इसको पिन लॉक फीचर भी है जो कि एंटी फॉग वाइजर है, तो जो फॉग अप होता है वाइजर अपना हेलमेट के अंदर वो नहीं होता इसमें. एंड द प्राइस ऑफ दिस हेलमेट इज 4994 विच इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 5000. तो या 5000 का ये हेलमेट आ जाता है, एंड आई थिंक 5000 के रेंज में दिस इज़ द बेस्ट बजट हेलमेट फॉर सेफ्टी. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जिस दिन मैंने ये हेलमेट अनबॉक्स किया एंड फर्स्ट टाइम यूज़ करने निकला था उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ. सो दैट्स अ रियली बैड थिंग दैट हैपेंड. एंड या आई नो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, बट लिटरली फर्स्ट यूज़ पे ही मेरा क्रैश हुआ है. मीन आई क्रैश्ड ऑन द फर्स्ट यूज़ ऑफ द हेलमेट इटसेल्फ. तो फॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मेरे दोस्त को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. मेरे साथ मेरा फ्रेंड था स्वराज, जिसको आई थिंक आप लोगों ने एक दो व्लॉग्स में देखा ही है मेरे. बट या एंड दोनों को आई थिंक ज़्यादा नहीं लगा, उसके लिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं. हम लोग भी लिटरली वेर वेरी लकी टू हैव सेव्ड. एंड एक्सीडेंट हुआ कैसे कि दो रिक्शा वालों की गलती थी. दो रिक्शा वाले थे, एक रिक्शा वाला बीच में से आ गया था एंड सेकेंड रिक्शा वाले ने पीछे से आके हैंडल को धक्का मारा. सो ही बम्प द हैंडल एंड मेरा हैंडल उसके रिक्शा में अटक गया, एंड उसकी वजह से मेरा बाइक का बैलेंस पूरा बिगड़ के आई फेल डाउन एंड क्रैश्ड एंड स्लिड ऑन द ग्राउंड फॉर सम लिटिल डिस्टेंस. आई मीन ज़्यादा स्पीड में थे नहीं हम लोग, जस्ट सिग्नल छूटा था. सो या दैट वॉज द अपडेट. एंड मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं, बट आई थिंक शोल्डर पे एक थोड़ा इंजरी है, एल्बोज पे इंजरी था. आई थिंक यू कैन सी इट, बट एल्बोज पे थोड़ा इंजरीज था. एंड नी पे मुझे लगा है, नी पे मुझे ऑलरेडी पहले भी लग चुका था, बट आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट्स हैपन. एंड मेरा राइट नी इज़ टोटली यू नो दो बार उधर ही मुझे लगा है. एंड पहला तो लिगामेंट टेयर था, अभी एक गिरने की वजह से और लग गया, बट ठीक है, दैट वुड बी फाइन. सो दैट्स द रीज़न आई हैवंट बीन अपलोडिंग वीडियोज रिसेंटली. काफ़ी बिजी था मेरा शेड्यूल. उसके पहले भी, एक्सीडेंट के पहले भी, मैं जून में मुझे फीवर हुआ था एंड द डॉक्टर सेड आई एम पॉजिटिव फ्रॉम कोविड. एंड आई वाज शॉक्ड टू नो दैट बिकॉज ऐसा कुछ सिम्टम्स थे ही नहीं मुझ में, बट
लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि इट वॉज नॉट अ गुड वन, इट वॉज अ फॉल्स रिपोर्ट बेसिकली. तो या बट आई वॉज क्वारंटीन फॉर 10 days आई थिंक, बिकॉज 3 days तो मेरा वायरल फीवर का था पूरा, उसके बाद मैं चेक करने गया तो 7 दिन मुझे क्वारंटीन होने बोला. तो ये सब हुआ है, ये सब जून में ही हुआ था, जून के फर्स्ट वीक में. एंड मेरा बाइक का सर्विसिंग भी हुआ था मे में 19th के अराउंड. उसके बाद जो व्लॉग्स मुझे करने थे वो सब हुए ही नहीं पॉसिबल. तो ऑल दीज थिंग्स हैपन, मेरा जून में बीमार होना, जुलाई में 3 तारीख को ही मेरा एक्सीडेंट होना, एंड टुडे इज़ 21st ऑफ जुलाई एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज. एंड आई नो दिस इज़ वेरी लेट एंड काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोज़ डाले नहीं है, बट दैट वॉज द रीज़न. एंड अभी फ़िलहाल मेरा करियर रिलेटेड भी थोड़ा जॉब अर्न चालू है, तो थिंग्स आर वेरी बिजी इन माई शेड्यूल राइट नाउ. बट ठीक है, आई ट्राई टू अपडेट एज मच एज पॉसिबल, बट थोड़ा अभी डिले होते रहेगा वीडियोज़ में. एंड जिस दिन मैं हेलमेट निकालने वाला था उस दिन मैं सेटअप करने वाला था, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटअप द हेलमेट, एंड इसलिए मैंने सोचा कि नहीं करता. बट आई थिंक आई रिग्रेट दैट डिसीजन, बिकॉज अगर मैं व्लॉग करता रहता तो आई थिंक वो सीन कैप्चर हो जाता जो हुआ था. सो ठीक है, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट आई जस्ट होप कि आगे ऐसा कुछ ना हो. एंड बाइक का अपडेट दूँ तो बाइक को भी काफ़ी डैमेज हुआ था, तो बाइक के राइट साइड को भी काफ़ी डैमेज हुआ था. उसका मिरर में थोड़ा स्क्रैच आया था, इंडिकेटर पे स्क्रैच आया था, जो वेट आता है हैंडल बार के एंड में वेट्स आते हैं उनमें स्क्रैच आया था. फ्रंट ब्रेक मेरा थोड़ा सा लूज़ हो गया था, देन टैंक पे स्क्रैचेस आए थे, एंड मेरा लेग गार्ड जो क्रैश गार्ड होता है वो पूरा अंदर बेंड हुआ था, एंड उसकी वजह से जो फाइबर का पार्ट रहता है वहाँ पे वो भी टूट गया था ऑलमोस्ट. एंड या छोटी मोटी स्क्रैचेस आए बाइक पे, तो बाइक मैंने दे दिया है सर्विस सेंटर, उसको आई थिंक ऑलमोस्ट 20 days लगेंगे ठीक होने को. तो वो आई थिंक ऑगस्ट के फर्स्ट वीक तक मुझे बाइक मिल जाएगा होपफुली. बट काफ़ी बुरा लगता है, बाइक नहीं है बिल्डिंग के नीचे, एंड मैं रोज़ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार बाइक नहीं खड़ी है अभी. ठीक है, लेकिन बाइक ठीक होके आने वाली है प्रॉपरली, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. एंड कुछ अपग्रेड्स करने वाला हूँ मैं बाइक में, बिकॉज आई थिंक दोज आर नेसेसरी. मैं आगे जाके करने ही वाला था, बट अभी ये इंसिडेंट होने के बाद आई थिंक कि आई शुड डू इट नाउ इटसेल्फ. तो थोड़ा सेविंग्स पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो वो कर लेंगे. एंड और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी बाइक चलाते हैं वो लोग प्लीज़ सेफ्टी गियर्स पहन के चलाओ. हेलमेट नहीं पहनना, मतलब ग्लव्स तो फिर भी ग्लव्स नहीं पहनना, हेलमेट नहीं पहनना, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग दैट यू डू. इवन द फुटवेयर दैट यू वेयर, मतलब जो आप स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं वो बिल्कुल मत पहना करो, बिकॉज उससे ग्रिप बिल्कुल नहीं आता बाइक पे. एंड कहीं अचानक से आपको पैर रखना पड़ा या तो बाइक रुकानी पड़ी, तो स्लीपर्स डोंट डू अ गुड जॉब इन स्टॉपिंग एंड गिविंग योर प्रॉपर ग्रिप ऑन द रोड. इट स्लिप्स प्रीटी ईजिली. तो स्लशी एरियाज में, खास करके रेनी सीजन में, तो स्लीपर्स बिल्कुल मत पहनो. एंड आई वुड जस्ट से कि प्रॉपर शूज़ या तो सैंडल्स भी आई डोंट रिकमेंड, बट एटलीस्ट शूज़ थोड़ा प्रॉपर पहनो, एंड ग्लव्स पहनो, हेलमेट पहनो. हम दोनों ने हेलमेट पहने थे जब एक्सीडेंट हुआ था, दोनों को हेड इंजरीज कुछ नहीं हुए, तो इसलिए हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थैंक यू मुंबई पुलिस की, उन लोगों ने डबल हेलमेट का रूल पहले ही किया था, भले ही लेट किया, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि उन लोग ने किया, बिकॉज सेफ्टी लोग बहुत कंसिडर नहीं करते हैं बहुत लोग. तो आई विल जस्ट से कि जो लोग भी बाइक चलाते हैं वो लोग प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ, आपको जितना हो सके उतना सेफ्टी गियर्स तो ट्राई करो, एटलीस्ट ग्लव्स पहनो, या तो आपको पूरा जैकेट खरीदने नहीं पॉसिबल तो थोड़ा एल्बो गार्ड्स या नी गार्ड्स एटलीस्ट पहन के रखो, एटलीस्ट वो लेने को ट्राई करो, बिकॉज सेफ्टी में इन्वेस्ट करो गाइज, बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर उसमें नहीं करोगे तो फिर इट कम्स टू योर लाइफ, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दैट एंड टेकिंग दैट मच ऑफ अ रिस्क. तो आई वुड जस्ट से कि इन्वेस्ट इन सेफ्टी गियर्स एज मच एज यू कैन. जरूरी नहीं है कि 8,000-10,000 के जैकेट्स या तो राइडिंग पैंट्स ले लो, बट एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. आप सेव अप करके आगे जाके वो ले ही सकते हो, मैं भी लेने ही वाला हूँ. सो जब तब तक नहीं, एटलीस्ट तब तक जितना हो सके उतना. मैंने भी ग्लव्स लिया था सिर्फ एंड हेलमेट एंड उसके ऊपर हुआ, एंड मैं शूज़ पहनता हूँ हमेशा बाइक चलाने के टाइम पर. एंड कभी इधर उधर जाना होगा नज़दीक तो सैंडल्स पहन लेता हूँ, बट अभी रेनी सीजन में तो आई थिंक नहीं पहनता, एंड बाइक तो अभी है भी नहीं, तो दैट्स द थिंग. बट प्लीज़ डू वेयर सेफ्टी गियर्स एंड राइड योर बाइक. अपनी लाइफ पे रिस्क मत लो इतनी, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट एंड चेक आउट माई प्रीवियस व्लॉग्स. सो या दैट्स इट, एंड स्टे सेफ, टेक केयर.